सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो सीपीयू के बारे में, जो कि है हमारे कोर टू क्वाड का Q6600 और i3 का 2120। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सीपीयूज़ की। तो जो कि सबसे पहला सीपीयू है हमारा, वो है हमारा कोर टू क्वाड का Q6600। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हमारी क्या है। तो ये आपको मिलता है, इसका जो कोर नेम है वो है कैंस फील्ड। जो आपको सॉकेट टाइप मिलती है वो है LGA775 की। टेक्नोलॉजी इसमें जो आपको मिलती है वो है 65 नैनोमीटर की। जो इसकी वोल्टेज है TDP वो है 1.5 वोल्ट की। और जो इसकी कोर मिल जाते हैं वो अब मिलते हैं आपको 4 कोर 4 थ्रेड, 6 MB की आपको कैश मेमोरी मिलती है Level 2 की। और जो ये रैम सपोर्ट करता है प्रोसेसर, वो है 1333 MHz की रैम, आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। और उसी सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं अपने i3 2120 की। तो इसका जो कोर नेम है वो है सैंडी ब्रिज। इसकी जो मैक्स TDP है वो है 65 वोल्ट की। पैकेज जो आपको मिलता है इसमें, यानी सॉकेट टाइप, वो है 1155 की। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की गई है वो है 32 नैनोमीटर की। इसमें जो आपको कोर वोल्टेज मिलता है वो है 0.96 वोल्ट। और इसके जो कोर मिलते हैं आपको वो है 2 कोर 4 थ्रेड, लेकिन आपको इसमें हाइपर थ्रेडिंग भी मिलती है, जिससे कि जो 2 कोर है वो आपके 4 कोर में बदल जाते हैं। और जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो है 3.30 GHz। और वहीं हमारे जो कोर टू क्वाड की स्पीड है Q6600 की, वो हमारी हमें मिल जाती है 2.4 GHz की। तो ये आप दोनों की स्पेसिफिकेशन जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें आपने देखा कि एक के पास 2 कोर 4 थ्रेड हैं और एक के पास 4 कोर 4 थ्रेड हैं, तो इसका क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 कोर 4 थ्रेड और 4 कोर 4 थ्रेड में क्या फ़र्क है। देखिए, यहाँ पे कोर्स जो होते हैं प्रोसेसर में, वो डिफाइन करते हैं कितने लोग उस में उस प्रोसेस को कर रहे हैं। देखिए, अगर 4 कोर 4 थ्रेड आपके प्रोसेसर में हैं तो उसी काम को 4 लोग करेंगे, और वहीं आपके कोर 2 हैं तो उसी काम को 2 लोग करेंगे। देखिए, अगर 4 लोग होंगे तो वो काम बहुत तेज़ होगा, 2 लोग होंगे तो कंपेयरिंग टू 4 लोग वो काम, जो प्रोसेस है आपका, वो धीमे होगा। तो इसी चीज़ से डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोसेसर तेज़ चलेगा या धीमे। लेकिन जो हमारा i3 2120 है, भले उसके पास 2 कोर 4 थ्रेड है, लेकिन उसके पास हाइपर थ्रेडिंग जैसा फीचर है, इसलिए वो हमारे कोर टू क्वाड Q6600 से हमेशा आगे रहता है। अभी मैं आखिरी में वीडियो के बेंचमार्क लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे रहता है i3 हमारे कोर टू क्वाड Q6600 से। देखिए, मेजर फर्क तब आएगा जब आप एक हाई लेवल का ग्राफिक कार्ड लगाएंगे इन 2 प्रोसेसर के साथ। जब आप एक हाई लेवल का ग्राफिक कार्ड पेयर करेंगे कोर टू क्वाड के साथ, तब आपको जो फ़र्क मालूम होगा वो मालूम हो जाएगा i3 और कोर टू क्वाड में। जब तक कि आप 1050 तक ना बढ़ें, 1060 भी लगा सकते हैं आप, जब कि वो बॉटलनेक करेगा दाने भर हमारे दोनों प्रोसेसर को, i3 2120 को और कोर टू क्वाड Q6600 को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं वीडियो के एंड में बेंचमार्क।